नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल। स्वागत है आपका खबर हरियाणा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली खबर से। रेवाड़ी में सरकार के आश्वासन दिए जाने के 3 महीने बाद भी एनएचएम कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने से कर्मचारियों में भारी रोष है। यही कारण है कि एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि 9 व 10 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में हड़ताल की थी। इसके बाद एमडी से उन्हें बुलाकर कुछ मांगों पर सहमति जताई थी और 1 माह में इन मांगों को लागू करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 12,000 और रेवाड़ी जिले में 450 एनएचएम कर्मचारी हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। समान काम समान वेतन, रेगुलर और मेडिकल लीव और कैजुअल लीव बढ़ाई जाए, मैटरनिटी लीव ये सभी हमारी लागू की जाए जो कि अब तक हमारी लागू नहीं है। बीच में ब्रेक हो जाता है तो छोड़ दी जाती है, अब हमारा है कि कंटिन्यू दी जाए और उनको हमारी समय पर ज्वाइनिंग दी जाए और समान काम समान वेतन तो दिया ही जाए जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाए। आज इस उपलक्ष्य में किया कि भाई हमें रेगुलर किया जाए और हमारी मांगों को माना जाए और स्वास्थ्य मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हमारा हेल्थ एनआरएचएम का जो स्टाफ है उसके ऊपर ही सारा हेल्थ डिपार्टमेंट क्या हुआ है। ये एनएचआरएम का जो स्टाफ है, एनआरएचएम वाला स्टाफ, ये रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की। अगर ये काम नहीं करेगा तो स्वास्थ्य विभाग का सब कुछ ठप हो जाएगा। आज की हड़ताल का मकसद हमारा रेगुलर होने का है। हमने सरकार से स्वास्थ्य विभाग के अंदर, एनएचएम के अंदर पिछले 18 वर्षों से हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं जिनका कोई भी सरकार के द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है। हमने मुख्यमंत्री महोदय से, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, एमडी महोदय से समय मांगा मिलने का, लेकिन ना स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमें कोई समय नहीं दिया गया। हम चाहते हैं हमें रेगुलर किया जाए, जब तक रेगुलर नहीं किया जाए तब तक हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। हमारे एनएचएम कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हम काफ़ी साल से, 18 साल से कच्चे कर्मचारी हैं और अब हमें नियमित करने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। जब तक सरकार हमें नियमित नहीं करेगी या समान काम समान वेतन नहीं देगी, जब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।